हाई गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फीलिंग गुड गाइज। आज का हॉल होने वाला है अगेन बैग हॉल। सो मैं आज आपको दिखाऊंगी बैग्स, एंड इस बारी इस हॉल में मैंने कुछ डिफरेंट ब्रांड्स भी ऐड करा है। उस टाइम से मैं अपने चैनल पे बैग्स हॉल कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई कर रही हूँ और वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। जो क्वालिटी मुझे मिंत्रा से बैग्स की रिसीव हो रही है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मुझे यकीन ही नहीं होता इतनी अच्छी क्वालिटी की बैग्स मुझे मिल रही है। मैं हमेशा बैग्स ऑफलाइन लेती थी, मैं कभी बैग्स ऑनलाइन नहीं लेती थी गाइज, बट बैग्स ट्राई करने के बाद मुझे ऑनलाइन बैग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं हमेशा बैग्स लाजपत से लेती थी या फिर सरोजनी से लेती थी, बट फर्स्ट टाइम मैं मिंत्रा से यू नो बहुत सारे बैग्स खरीद रही हूँ। इससे पहले दो मिंत्रा बैग्स हॉल करे हैं, जो इतनी बढ़िया बढ़िया बैग्स मैंने आपको दिखाई हैं, कुछ कम प्राइस के, कुछ ज़्यादा प्राइस के, कॉलेज, ऑफिस, डेली वेयर, सब तरह के बैग्स मैंने दिखाए हैं। और इस बार हॉल में भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट बैग्स ऐड करा है, डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई करा है। सो अगर आप और भी बैग्स हॉल देखना चाहते हो डिफरेंट ब्रांड के, तो ब्रांड और कहाँ से देखना चाहते हो कॉमेंट में ज़रूर से बताओ। ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कमेंट में जरूर से बताना कि कौन सी बैग अच्छी लगी है। नाउ वी टॉक अबाउट इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फर्स्ट बैग इज दिस ग्रीन एंड ब्लू कलर ब्लॉक बैग। सो ये कलर कॉम्बिनेशन वाली बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत क्लासी बैग है, बहुत स्टडी है। एंड ये मुझे मिली है 1500 रुपीज़ की, करंट इसका प्राइस 1700 रुपीज़ है। टू पॉकेट्स आपको फ्रंट पे मिल रही है और आपको ये स्लिंग बेल्ट के साथ आ रही है जिसका कलर ग्रीन है। इनर पॉकेट्स आपको वन मिल रही है और काफ़ी स्पेसियस है ये, मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ। तो बहुत स्पेसियस है, आराम से यू नो जितना सामान आपको नीड ऑफिस या फिर किसी चीज़ के लिए डेली निकलने के लिए होती है उतना आप आराम से इस पर डाल सकते हो। हैंडल भी है तो आप इसे हैंडल से भी पकड़ सकते हो, स्लिंग अगर आप यूज़ नहीं करना चाहो तो स्लिंग आप इग्नोर कर सकते हो। 200% रिकमेंड करूँगी, बहुत बहुत स्टाइलिश है, ऑफिस के लिए परफेक्ट है, या फिर कोई आउटिंग में आप मैचिंग करके भी ये बैग यूज़ कर सकते हो। कलर ऑप्शन और भी है, अगर मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी। माई नेक्स्ट बैग इज दिस ब्लैक बैग, एंड ये बहुत ही ह्यूज बैग है गाइस, बहुत ज़्यादा, जब आपको स्पेसियस बैग चाहिए उसके लिए परफेक्ट है। कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्लैक ब्लैक में डिज़ाइन बनी हुई है एंड हैंडल के साथ आती है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये बिग बैग है। बैग में आपको चेन भी मिल रही है जो कि काफ़ी स्पेसियस है, अंदर तक को पॉकेट जाती है, स्लिंग के साथ है, आप चाहो तो स्लिंग भी वेयर कर सकते हो उस पर, बट मैं हैंडल ज़्यादा प्रेफर करूँगी ऐसे लॉन्ग बैग में। ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट है एंड ऑफिस के लिए परफेक्ट है, कॉलेज के लिए भी परफेक्ट है। आपको इनर पॉकेट्स फोर मिल रही है अंदर को, एक आप देख सकती है बिग इनर पॉकेट्स है, फिर साइड में भी है और जो इसकी जिप है बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये मुझे 1500 रुपीज़ की मिली है, करंट की आउट ऑफ स्टॉक है, अगर पसंद है तो विशलिस्ट में रख के आती जाती रहती है स्टॉक में। कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर से बताएं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। और कलर ऑप्शन होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस ऑलिव ग्रीन बैग, स्क्वायर बैग है ये, हैंडल के साथ है, डिटैचेबल स्लिंग है इसकी। सो जिनको हैंडल पसंद है वो हैंडल यूज़ कर सकते हैं, जिनको स्लिंग पसंद है वो स्लिंग यूज़ कर सकते हैं। बैग पे चेन नहीं है, फ्रंट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं गाइस, बहुत यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्लासी बैग है ये, देखने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। एंड ये मुझे मिली 1800 रुपीज़ में, करेंटली अब आउट ऑफ स्टॉक है, बट ये स्टॉक में आते जाते रहती है। इसका जो ओपनर का जो बटन है वो बहुत यूनिक है, फ्रंट पे आपको एक पॉकेट मिल रहा है, देन आपको यहाँ पे चेन नहीं मिल रही है और एक इनर पॉकेट मिल रहा है। बहुत ही काफ़ी अच्छी स्पेसियस बैग है ये, जितना आपको जितना नीड होता है सामान की उतनी ईजिली इस पर आ जाएगी और स्लिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो, विथ स्लिंग भी अच्छी लग रही है। मुझे हैंडल के साथ ये ज़्यादा पसंद आ रही है, हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत क्लासी है, बहुत यूनिक है, एंड ऑफिस भी आप आराम से ऐसे बैग्स लेकर जा सकते हो। तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। माई नेक्स्ट बैग इज दिस ब्राउन सॉलिड बैग, एंड अगेन ये बहुत ही ज़्यादा बिग बैग है गाइज, एंड इसका जो लुक है, जो कलर है वो एक्चुअल में आप देखो कितना ज़्यादा शाइनी है, मेटल का भी वर्क करा हुआ है, बहुत ही शाइनिंग बैग है। इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्पेसियस बहुत है, हैंडल के साथ है, प्लस आपको स्लिंग भी मिल रही है, डिटैचेबल स्लिंग है, बैग में आपको चेन मिल रही है, एंड जो शाइनिंग है मैट बैग नहीं है, पूरी लाइक शाइनिंग वाली बैग है बट बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं है। बट
इतना है कि बहुत अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे आपको चेन मिल रही है एंड आप इनर पॉकेट देख सकते हो कि स्ट्राइप्स बनी हुई है, कितनी अच्छी क्वालिटी लग रही है। लाइक आपको वीडियो में ही समझ में आ जाएगा कि बैग कितनी अच्छी क्वालिटी की है। तो आपको टू एक्सटर्नल पॉकेट्स मिल रहे हैं, काफ़ी स्पेसेस बैग है, कॉलेज ऑफिस जहाँ जाओ वहाँ इस बैग को आप यूज़ कर सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट है, स्लिंग भी यूज़ कर सकते हो, विटॉट भी यूज़ कर सकते हो। सो ये मुझे मिली है 1400 समथिंग की, बट अभी इसका प्राइस सेल पे नहीं है, माइट भी जब तक मैं वीडियो लगाऊँ सेल पे आ जाए सुबह तक। तो मुझे 1400 की मिली है, आप ध्यान दें उतने में आपको भी मिलेगी क्योंकि इतनी जाती है सेल पे ये बैग। हाईली रिकमेंड करूँगी और मुझे कलर ऑप्शंस मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस पीच एंड पीच कलर की बैग जो जिसका बहुत ही लाइट कलर कॉम्बिनेशन है, बट देखने में ये बहुत प्यारा लग रहा है जब आपको रिसीव होगी। तो इसकी साइज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है ऑर्डिंग के लिए। एंड ये थोड़ी सी लाइक ड्रेसअप जब आप होगे तब के लिए ये बैग काफ़ी अच्छी लगेगी। सो इसका जो हैंडल है वो चेन वाला है, देन थोड़ा सा यू नो बैग का कपड़े वाला है, हाफ हाफ है। और कुछ इस तरीके से ये बैग लेने के बाद लग रही है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं आई, लाइक बहुत ज़्यादा मैं फ़ैन नहीं हुई इस बैग की, बट हाँ ओके ओके काइंड ऑफ इसका डिज़ाइन है। एंड यहाँ पे जो पॉकेट्स मिल रहे हैं इनर पॉकेट्स वो काफ़ी है, 3 लेयर में है। लाइक इस तरीके से बटन ओपन होती, एक आपको चेन मिल रहा है एंड दोनों तरफ प्लेन है। लाइक इस पर आपको इनर पॉकेट्स भी नहीं मिल रही है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बिल्कुल सेम है एंड बीच पे आपको चेन मिल रही है। तो कुछ इस तरीके की बैग है। हाँ स्पेस काफ़ी है, आप देख सकते हो काफ़ी स्पेसियस है। चेन के अंदर भी 2 इनर पॉकेट्स आपको मिल रही है, तो बहुत सारा यू नो मिक्सअप नहीं होगा क्योंकि बैग्स में जब भी एक कंपार्टमेंट होता है तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, लाइक सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, बट इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। सो रिकमेंड करूँगी, नॉट हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर पसंद है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंप्रेस मैं नहीं हुई। ओके ओके टाइप ठीक है, मैं कभी कदार यूज़ कर सकती हूँ, ऐसी बैग है। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस वेरी ब्यूटिफुल ऑफ वाइट बैग एंड ये जब मुझे मिली ओ माई गॉड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड इसको मैं बहुत ही क्लोजली आपको दिखा रही हूँ कि इसका स्टफ़ कैसा है, लाइक मैट फिनिशिंग के साथ बहुत ही प्यारा बैग है। एंड इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बैग है ये। चेन के साथ आ रही है, आपको अंदर को एक इनर पॉकेट मिल रहा है, स्पेसियस काफ़ी है, देखने में जितना छोटू मोटू मतलब बहुत क्यूट सा लग रहा है, स्पेस काफ़ी है, उतना सामान आप आराम से रख सकते हो जितना आप डेली बैग पे ले जाते हो। बैग पे आपको इस पर चेन नहीं मिल रही है और ये भी आपको स्लिंग के साथ मिल रही है। सो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो स्लिंग यूज़ करो, हैंडल यूज़ करो, तो ये प्लस पॉइंट है इन बैग्स की। मुझे स्लिंग बैग बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, बट इन दिनों मुझे यू नो ये ऐसे हैंडी वाले बैग ज़्यादा पसंद आ रही है। सो मैं इसे 200% रिकमेंड करूँगी। ये मुझे मिली है 1450 रुपीज़ की, करंट इसका प्राइस अभी हाई है तो इसका कम होते रहता है, 1700 ऑलमोस्ट दिखाती है, बट जब भी आप सेल पे नहीं भी तो रात के समय 11:30 से 12 के बीच रात को चेक करो ना, इन सब बैग्स की या फिर कुर्तीज़ की प्राइस बहुत कम होती है। माई नेक्स्ट एंड लास्ट बैग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल रेड कलर की बैग, हैंड बैग गाइज, और इतना ब्यूटिफुल है ना कि आप देखो, मैं बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ। मैट फिनिशिंग के साथ छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं बैग पे, छोटा सा हैंडल है, मतलब बहुत ही हैंडी पर्स है। बैग पे आपको चेन मिल रही है, ना बहुत बड़ी बैग है ना छोटी, एकदम जो एकदम परफेक्ट साइज होती है ना ये ऐसी बैग है। एंड बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, डिटैचेबल स्लिंग के साथ आ रही है, उसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, हैंडल के साथ वेयर कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देखो कि 3 सेम आपको पॉकेट्स मिल रही है, लाइक अभी एक बैग में मैंने आपको दिखाया था कि 3 आपको पॉकेट्स मिल रही, बस उसमें चेन नहीं थी तीनों पे, इसमें तीनों पे आपको ऐसे जिप मिल रही है, अंदर को बहुत सारा स्पेस मिल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है। आप देख लो, मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ एंड इसे लेने के बाद भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो एक रेड बैग और एक ब्लैक एंड वाइट, ये 3 कलर और एक टैन कलर, ये 4 कलर तो आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए। सो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ऑसम बैग है। That's it for today's video. I hope आज का वीडियो पसंद आया हो बैग हॉल, तो आप प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर दो एंड कॉमेंट में बताओ कौन सी बैग अच्छी लगी, नेक्स्ट कौन सी हॉल देखना चाहते हो, बैग्स की कौन सी ब्रांड देखना चाहते हो, कॉमेंट में जरूर से बताओ एंड मिलते बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।